नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी ट्रैवलर। तो गाइस, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने खेलरे की सब्ज़ी बनाई थी, बट इस बार हम बना रहे हैं कुछ ग्रीन लीव्स से। तो ये देख रहे हैं, ये है बथुआ। तो गाइस, बथुआ हमारे यहाँ खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इस टाइम, लाइक एज ए खरपतवार। तो इस बथुए में आपको पता है क्या गुण है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है और प्लस विटामिन बी और सी से भरपूर होता है। तो गाइस, जो भी इस सीज़न में लाइक बथुआ, पालक, मेथी, ये सब आपको ग्रीन पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, आपको बॉडी को भी ज़रूरत होती है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे सामने इतना सारा बथुआ पड़ा है, तो इनके पत्ते तोड़ तोड़ के हम लोग इसमें डाल रहे हैं और इसमें मेरी हेल्प करवा रहा है आदि। तो मैं आदि से पूछूंगा कि बथुए की सब्ज़ी आदि को कैसे लगती है। कैसे लगती है आदि भाई? खाली बथुए की तो मस्त नहीं लगती, साथ में आलू हो तो मस्त लगती है। गाइस, अभी सुबह के 8:10 हो रहे हैं और आप सब लोग देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, अभी अच्छी सनलाइट हो रखी है। ये देखिए आप खेतों में किस तरह का रास्ता होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे दूसरे स्पॉट पे, जहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और गाइस यार, आप देखिए, तो जाऊंगा सुबह सुबह सबसे पहले आग के पास में, बिकॉज हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। तो देखते हैं कहाँ पे आग जलाई जा रही है, साथ में म्यूजिक भी चल रहा है, सम फोक म्यूजिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह पशुओं के ब्रेकफास्ट का काम हो रहा है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है पशुओं को। ये देखिए आप, गाइस आज हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ खेत में मक्खन तैयार किया जाता है, प्योर मक्खन। तो सबसे पहले इसके अंदर दही को भर दिया गया है, अभी ये पूरा सेटअप तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए, अब इसकी मशीन तैयार होती है, कैसे ये इसको लगा रहे हैं। इसकी मशीन है ये, क्योंकि हाथ से ही चलाई जाती है, प्योर देसी राजस्थानी स्टाइल मक्खन निकालने का। ये देखिए, तो अब मक्खन निकालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखिए गाइस, अभी तक को कटे सिर्फ 5 या 7 हुए होंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मक्खन ऊपर की तरफ आने लगा है। गाइस, शानदार प्रोसेस है यार, आप देखिए। गाइस ये देखिए, अभी मक्खन निकलना शुरू हो चुका है उसके अंदर से। देखिए आप, प्योर प्योर मक्खन। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारा मक्खन तैयार हो गया है। जो गाइस, जो इसमें बाकी रह गया है पीछे, ये बच गया बटर मिल्क, यानी कि छाछ, प्योर छाछ। तो गाइस, अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नेचुरल झूला, हम लोगों ने कैसे बना रखा है ये। और ऊपर देखिए आप, उस लकड़ी के बांध रखा है ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे शुरू करते हैं। मंगल सिंह जी झूला देके बताएंगे। देखिए, मंगल सिंह जी ने झूले को फुल पावर कर दिया है अभी। ये <Yeah. laughs>
तो गाइस ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ, फिर अंदर से दिखाऊंगा कि अंदर क्या है। तो गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे से, और ये स्ट्रक्चर ऐसा है। और जो आप ये देख रहे हैं, एक इस तरफ है, एक उस तरफ भी है, ये वेंटिलेशन की है ताकि हवा बाहर निकलती रहे। अब मैं अंदर दिखाता हूँ क्या है इसके। अब देखिए, देख दिखाता हूँ मैं आपको कैसे गेट बना रखा है इसका। हम लोग जाएंगे अभी अंदर इसके, बट पूरी प्रिकॉशन रखनी ज़रूरी है, मास्क वगैरह लगाना ज़रूरी है आपका। ये गेट यहाँ पे लगा दिया है, अब हम जाएंगे अंदर। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हैं इनके अंदर पानी दिया जा रहा है, और मैं बताऊँगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा रखा है। तो गाइस जो आप ये देख रहे हैं, ये मशरूम है, बटन मशरूम। यहाँ पे हम लोग प्योर ऑर्गेनिक बटन मशरूम उगाते हैं। तो ये जब जितनी आपको थैलियाँ दिख रही हैं, सब में ऐसे ही मशरूम आने वाले हैं। ये छोटे छोटे पीनट आपको दिख रहे हैं, इन सब में बड़े बड़े मशरूम हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, इसमें भी छोटा सा पीनट आ गया है। तो आइए हम पूछते हैं केसरी सिंह से कि कौन सी मशरूम है और कैसे कैसे उगा रहे हैं। नमस्ते केसरी जी। नमस्कार। तो अभी आप कौन सा मशरूम उगा रहे हैं? ये बटन मशरूम है। अच्छा, जो महीने भर में पूरी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसका जो कंपोस्ट है वो एक महीने में तैयार होता है। अच्छा, आपने खुद ने वो बनाया कंपोस्ट? हाँ, मैंने खुद बनाया। अच्छा, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है ये? अच्छा, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अच्छा अच्छा, और इसके बाद में आप और कौन सी मशरूम का सोच रहे हैं? अगर ऑयस्टर का है, मिल्की का है। अच्छा अच्छा, इसमें है सारा। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये ट्रायल पे चल रहा है अभी। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, पूरी तरह से बेक तैयार किए हैं। एक बार इन्होंने ट्रायल के लिए लगाए हैं, ये जैसे ही सही होगा तो बड़े रूप में कर देंगे, बट अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए आप। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं कि सनसेट होने वाला है, और गाइस ये व्यू है अभी यहाँ से। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये व्यू है, वो दिख रहा है कितना शानदार है यार यहाँ से। ये देखिए आप, ये पूरी प्रॉपर्टी लाइक यहाँ से लेके और ये पूरी, इसमें आप कहीं भी कैंप लगा सकते हैं। जैसा कि ये आपको कैंप दिख रहा होगा जो हमने कल लगाया था, ये देखिए। तो अभी हम इससे इतने दूर खड़े हैं, यहाँ से देखिए। तो गाइस यहाँ जो भी आना चाहता है तो अपना कैंप कहीं भी लगा सकता है और कहीं भी रुक सकता है। वो जो सामने दिखाई दे रही है वो मेन हाईवे रोड है, वहाँ से आपको आना होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस अपने खेत में कैंप लगाया था, तो आप लोगों को ये जगह पसंद आ रही है और आप लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो आप कभी भी यहाँ से आ सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं, रुक सकते हैं। और हाँ, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। एंड देसी ट्रेवल की तरफ से राम राम।